बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विस यादव पर विवादों का पहाड़ टूट पड़ा है। एल्विस यादव पर आरोप है कि वो गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी का आयोजन कराते थे, साथ ही उन पार्टियों में कोबरा सांपों के जहर भी सप्लाई करते थे। इसके अलावा एल्विस यादव पर पार्टियों में विदेशी लड़कियों की एंट्री कराने का भी आरोप है। एल्विस यादव से जुड़े इन विवादों पर अब शिव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। एल्विस यादव ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती है तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वहीं जब टेलीटॉक ने शिव ठाकरे से इस सिलसिले में सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप ऊंचाई पर चले जाते हो तो कुछ कुछ चीजें ऐसे आने लगती हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें सच्ची नहीं है। एल्विस यादव का एक वीडियो भी मैंने देखा। शिव ठाकरे ने एल्विस यादव का सपोर्ट करते हुए आगे कहा, जब आप बहुत कुछ पा लेते हो तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता, शायद ये उस वजह से है। मुझे पूरी बात पता नहीं है, मैंने दो वीडियो देखे हैं, वो न्यूज़ देखी और एल्विस का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने चीजें साफ की हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें ठीक हों। एल्विस का ग्राफ अच्छा चल रहा है।